नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। हमीरपुर जिले के सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक का शव पड़े मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। युवक के शव के पास पुलिस को एक अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुए हैं। युवक के सीने पर गोली लगी हुई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। युवक के परिजनों ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि बीती रात युवक परेशान था। घटना के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका। घटना हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र के इटालिया बाजार गांव की है। गांव के युवक जयपाल का शव पड़े होने की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में पाया कि शव गांव के ही एक युवक का है। युवक के परिजनों ने पूछताछ में बताया कि युवक जो था वो काफी समय से परेशान था और बीती रात परेशानी में ही इधर उधर घूम रहा था। युवक के शव के पास अवैध असलहा और कारतूस मिलने से आत्महत्या की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस मामले की गंभीरता की जांच कर रही है और घटना के खुलासे को लेकर डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम सहित पुलिस की कई टीमें लगाई गई है। फिलहाल घटना के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका। थाना जरिया के इटालिया बाजा ग्राम में सवेरे पुलिस को सूचना मिली कि एक डेड बॉडी मिली है, जिसे गोली लगी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि उसके दाहिने हाथ के पास एक तमंचा था और एक पॉलीथीन में 6 जिंदा कारतूस 315 बोर के, और बाएं हाथ के पास एक जिंदा कारतूस था 315 बोर का। उसके सीने में बाएं तरफ गोली लगी हुई है और वो वहीं पड़ा था। उसके बाद में पता लगाया गया तो उसी गाँव का जयपाल पुत्र माधव प्रसाद राजपूत, इसकी उम्र करीब 35-40 वर्ष के आसपास है, उसकी डेड बॉडी बताई गई। घर वालों ने तहरीर दिया, अभी कोई आशंका नहीं व्यक्त की गई है उसके द्वारा। उसके पिता ने बताया कि रात में वो कुछ असहज महसूस कर रहा था, परेशान था, तो मैं उसको ढूंढने भी गया था। बाकी छानबीन की जा रही है, डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट की टीम भी वहाँ भेजी गई है। क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष भी मौके पर हैं और जैसा भी जाँच में सामने आएगा बताया जाएगा। इसी तरह की देश दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ।